मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आचार्य। वैसे चाणक्य को कौन नहीं जानता। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान थे जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। तो इसीलिए चाणक्य की जिंदगी से वो पांच चीजें हमें सीखने को मिलती है जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर चाणक्य की जिंदगी की ये पांच बातें आपने सीख ली तो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर वन, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचना हो तो आपको चुप रहना होगा। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कभी भी विवाद में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। तो आपको बस यही सोचना है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और फालतू की बातों में नहीं पड़ना है। नंबर टू, अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए। ज्यादातर लोग अपने चहेते को या तो फिर अपने जो भी नजदीकी रिश्तेदारों में अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, मतलब कि बता देते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ साथ आप कई गहरे रिश्ते में बन जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी जो भी लोग मिले हैं या तो फिर जिनके साथ अच्छा रिश्ता है उनको हम बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है। आप चाहो या ना चाहो घर के बाहर बात पहुंच ही जाती है। और वैसे भी आपको पता ही है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है और उसी कमजोरी का लोग आपसे फायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए ऐसे में आपको कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपने अपनी कमजोरी को बता दिया तो आगे जाकर आप बुरी तरह से फंस सकते हो। नंबर थ्री, धन का सोच समझ कर खर्च करना। वैसे ये वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम कंगाल हैं, बिना धन के ना इज्जत है ना सुख है ना समृद्धि है। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। वैसे पैसों की ही बात चल रही है तो पैसे कितने जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे। और पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना आप बचाते हो। वैसे चाणक्य ने पैसों को बचाने के लिए अपनी नीतियों में बहुत ही बार कहा है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या। अगर आपके पास ज्यादा पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं है कब पलट जाए। इसीलिए आचार्य चाणक्य की ये लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए धन कमाए, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी उसे खर्च करें। नंबर फोर, जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करते हैं, तो उसी टाइम में समझ ले कि ये इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचे। ऐसे लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब आपकी ये बातें निजी नहीं रही, ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाएगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास कभी ना करें। नंबर फाइव, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आप मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी के साथ हद से ज्यादा लगाव रखते हो तो आप माया और मोह के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में एकदम सटीक बैठती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आजकल के जो भी यूथ है, जो रिलेशन में रहने लगा है, वो अपनी नौजवानी की एज में वो रिश्ते में रहने लगे हैं और
जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपस में खिंचखिंचाहट होने लग जाए या फिर झगड़ा होता है तो वो तनाव में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का अंदर से डर लगा रहता है और इसी बात को लेकर वो टेंशन में डूब जाता है और वो अपना करियर तक बर्बाद कर लेते हैं एंड बहुत ज्यादा बुरी चीजें कर लेते हैं। तो इसीलिए ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना है वरना आपको कभी ना कभी पछतावा जरूर करना होगा। आज के लिए बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो